जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज हमारे कोर्स की है ना वो लास्ट वीडियो है कि हमने कैसे मेल सेंड करने हैं। ठीक है कि हमने लिस्ट भी तैयार कर ली, हमें गूगल इंडेक्स का भी पता चल गया, हमें डू फॉलो नो फॉलो डीए डीआर ट्रैफिक हर चीज हमने मेंशन कर ली अपनी लिस्ट के ऊपर। ठीक है तो अब जो मेन चीज आएगी वो है ईमेल। देखिए हमने बार्गेनिंग तो करनी है, जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि हमने पहले ऐसी वेबसाइट जो गूगल पर रैंक करी उनके साथ बार्गेनिंग कर ली, वो फिर हमें रेट बताएंगे। वो रेट कैसे बताएंगे, हम जाहिर सी बात है हम उनको मेल करेंगे तो वो हमें अपना रेट बताएंगे ना, जब वो हमें अपना रेट बताएंगे तो ही हम बार्गेनिंग करेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज मैं आपको मेल करना सिखाऊंगा और उसके अलावा जो भी छोटे छोटे हैक्स हैं वो मैं सारे आपको बताऊंगा। तो चलते हैं वीडियो की जानिब और करते हैं सबको मेल सेंड और देखते हैं कि उनके क्या रिप्लाई आते हैं और हमने कैसे उनको रिप्लाई करना। ये हमने अब मेल कैसे करने हैं, ये हमारी वेबसाइट है, ये उनके ईमेल है। ठीक है अब सबसे पहले हम इधर जाएंगे इसके ऊपर, ठीक है एरो लेके आएंगे, क्लिक हमने कुछ नहीं करना, ठीक है सिर्फ सिंपली ऐसे इधर एरो लेके आएंगे तो इनके नीचे ना ये आ जाएगा मेल का बॉक्स। ठीक है ये जो ये वाले ना सेंड मेल, यहाँ पे आप आएंगे ना पहले पे यहाँ पे मैसेज का आइकन बना हुआ है तो इस पे आएंगे, इस पे सिंपली क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा हमारा जीमेल। ठीक है अब इसमें ऊपर होता है एक सब्जेक्ट और नीचे हमने लिखना होता है मेल जो कि हमने सेंड करना है। ठीक है तो हमने वो लिखना है तो हम सिंपली क्या करेंगे, ये मैंने एक मेल बना के रखी हुई है जो कि सबको मैं करता हूँ, ठीक है और आपके लिए भी ये मैंने बना के रखी है। सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट होती है, इधर हम एक ओपन कर लेते हैं अपना, मैं जीमेल ओपन करता हूँ। ठीक है और देखें ये जो आपको हाईलाइट चीज नजर आ रही है ना ये वाली, सही है ये हमारी सब्जेक्ट लाइन होती है। ठीक है जैसे कि ये लिखा है अदितिया जस्ट मैसेज यू न्यू इन जी मैस द बेस्ट सोशल, ये जितनी अच्छी होगी ना जितनी अट्रैक्टिव होगी उतने क्लाइंट्स या उतने एडमिन्स को ज्यादा ओपन करेंगे। ठीक है मैं जैसे मैं दिखा देता हूँ, हम नेक्स्ट चलते हैं, इसमें जो मैंने सेंड की हुई है उस पर चलते हैं। ये मैंने जो मेल्स वगैरह सेंड करो ये देखे, ये इसमें लिखा हुआ गेस्ट पोस्ट प्रपोजल पेड गेस्ट पोस्ट प्रपोजल पेड गेस्ट पोस्ट प्रपोजल ऐसे, इसके आगे मेल होती है स्टार्ट। ये जितनी अट्रैक्टिव हमारा सब्जेक्ट होगा ना उतने ज्यादा चांसेस होते हैं कि एडमिन या जो क्लाइंट है वो हमारी मेल को ओपन करे। ठीक है इसलिए हमने इसमें पेड का वर्ड इसलिए यूज करते हैं, जब भी पेड का वर्ड आता है ना तो वो लाजमी मतलब अगर एडमिन को करेंगे तो जाहिर सी बात है वो बोलेगा कि ये मेरे से फ्री वाली तो नहीं ले रहा ना, ये मेरे से पेड की बात करने लगा, तो वो फिर मस्ट है कि वो ओपन लाजमी करेगा इसको। ठीक है ऐसे सबसे पहले हमने एक सब्जेक्ट लाइन जो होती है ना वो एक अच्छी सी रखनी होती है यहाँ पे सब्जेक्ट। ठीक है और उसके नीचे हमने एक मेल लिखा लिखना होता है। ठीक है मेल में मैंने सिंपली इसमें ये लिखा हुआ है कि आई होप यू आर फाइन, हेलो डियर आई होप यू आर फाइन, टुडे आई विजिटेड द वॉल ऑफ योर ब्लॉग, मैंने आज आपकी ब्लॉग को विजिट किया, आई नोटिस्ड यू हैव आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूटर्स ऑन ऑन के आगे ना ये मैंने एक ब्रैकेट रखी हुई है, इसमें मैंने एम्प्टी ब्रैकेट इसमें कुछ यहाँ पे हमने पुट करना है वेबसाइट का लिंक, जिस वेबसाइट को हम मेल कर रहे हैं ना उसका लिंक पुट करना है। लिंक पुट करने से फायदा क्या होगा, उससे ये होगा हम जैसे कि बहुत सारे लोग वो क्या करते हैं वो एक ही मैसेज करते हैं, ठीक है लिख लिया जैसे ये एक मैसेज लिख लिया उसको बाद में फॉरवर्ड करते रहते हैं दूसरी ईमेल्स को, ऐसे ना मेल स्पैमिंग में चले जाते हैं। वो कहते हैं कि इसने इस तरह किया होगा कि एक मेल लिखा होगा और सबको सेंड कर दिया। जब आप हर एक उसमें मेल में जिस बंदे को मेल कर रहे हो आप उसकी जब वेबसाइट को मेंशन करोगे तो वो तो स्पैमिंग नहीं होगी ना, वो तो आप फॉरवर्ड नहीं कर सकते, तो उसको क्या लगेगा कि इस बंदे ने सच में मेरी वेबसाइट पे आया है, आके इसने मेरी वेबसाइट को रिसर्च किया, उसने देखा स्टडी किया और फिर मेरा लिंक पुट किया। इसमें एक चीज तो ये होगी कि हमारे वहां पे नंबर ज्यादा बन जाएंगे, वो हमें अच्छा समझेंगे। सेकंड चीज ये होती है कि उसको एडमिन को, अब एक एडमिन है जैसे कि मैं हूँ, आप मुझे मेल कर रहे हो, मेरी अगर 8 से 10 गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट हुई मुझे क्या पता चलेगा आपने किस वेबसाइट के लिए मेरे से मतलब कि गेस्ट पोस्टिंग ऑफर आप मुझे कर रहे हो, कि किस वेबसाइट पे मैं आपको बोलूँ कि इस पे आप गेस्ट पोस्ट करवा लेना, मेरी एक वेबसाइट रैंक कर रही है टॉप लेवल पे, एक मेरी मीडियम लेवल पे, एक लो लेवल पे, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप किस वेबसाइट के लिए गेस्ट पोस्ट मांग रहे हो। ठीक है तो अगर हम इसमें उसका लिंक पुट करेंगे ना तो अगर उसके और भी वेबसाइट्स होंगी तो उसको पता चलेगा ये मेरी इस वेबसाइट के लिए गेस्ट पोस्ट कर रहे हो। ठीक है सिंपली इस चीज़ की तो समझ लगी, इसका होना लाजमी है। जब वैसे तो रूटीन वाइज तो कोई भी नहीं करता लेकिन हमने लाजमी,
मैंने आपको मेथड बता दिया कि दो इसकी वजूहत हो सकती है, अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा है, वरना लोग कहेंगे इसने एक बार ही मैसेज लिखा और सबको फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है, तो वो फिर स्पैमिंग वो फिर ओपन नहीं करते, या फिर वो आपसे वो मुखलिस नहीं समझते, वो कहते हैं कि इसने पता नहीं स्टडी की है कि नहीं मेरी वेबसाइट की, इसने ऐसे मुझे मेल कर दिया, ठीक है। सेकेंड ये चीज, एंड आई वंडर्ड इफ यू स्टिल एक्सेप्ट गेस्ट पोस्ट, अगर आप गेस्ट पोस्टिंग एक्सेप्ट करते हैं, इट्स ग्रेट डेट यू ओनली वर्क विद यूनिक एंड वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन या कंटेंट, कि आप एक अच्छे और यूनिक कंटेंट पे काम करते हैं। इनफैक्ट आई एम रेडी टू कीप अप दैट स्टैंडर्ड, मैं इस स्टैंडर्ड को बरकरार रखने के लिए तैयार हूँ। आई वॉन्ट टू शेयर माई थाट्स ऑन योर ब्लॉग, मैं आपके जो ब्लॉग है या आपका जो वेबसाइट है उसके ऊपर अपने ख्याल का इजहार करना चाहता हूँ, ठीक है। इट्स ग्रेट, आगे आ जाता है हमारा, आई अंडरस्टैंड डैट देयर वुड बी सम एडिटोरियल फी इन्वॉल्व, कि इसमें कुछ जो फीस मैंने आपको बोला था, हमेशा हमने पेड वाली गेस्ट पोस्ट के साथ काम करना है, ठीक है, ये वो है। एंड आई एम रेडी टू पे, और मैं तैयार हूँ ये पे करने के लिए। आई होप यू विल लाइक माई सजेशन, ठीक है, एंड वी विल बेनिफिट म्यूचुअली, कि हम दोनों को इससे फायदा होगा, एंड साइड बाय साइड, और ये हमारा बिजनेस दोनों रैंक होगा दोनों का, ठीक है। आई एम वेटिंग फॉर योर गुड रिस्पॉन्स, ये एक मैंने ना एक नॉर्मल सी टेम्पलेट बना के दी है, इससे आपको इजीली एडमिन जवाब दे देगा, ठीक है, ये उस लेवल की बना दी एक एडमिन के लेवल की, कि वो आपको इसमें कर देगा, ठीक है। तो अब इसमें हमने करना क्या है, अब हमने जाना है ये, और हमने ये एक मेल ओपन किया हुआ था, ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसका ये जो इधर से पेड गेस्ट पोस्ट है, प्रपोजल, ये सब्जेक्ट लाइन है, ये अट्रैक्टिव सब्जेक्ट लाइन है, बहुत सारे लोग ये यूज करते हैं, ठीक है, अट्रैक्टिव है इसलिए, ठीक है, और इसको हमने कॉपी किया, और सिंपली जाके हमने जो हमने मेल कर रहे थे ये वाली, इसके सब्जेक्ट लाइन में पेस्ट कर दिया, ठीक है, सिंपली ये हो गया। और सेकंड फिर हम क्या करेंगे कि हमने इधर से लेके इधर तक इसको कॉपी करेंगे, ठीक है, और इधर नीचे आएंगे और इस मेल पे जाके यहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम कैपिटल कर लेते ताकि आपको ईजिली समझ आ सके, ठीक है। अब ये जो नीचे चीज़ है ना, ये वाली, ये सारी ये जो मैंने हाईलाइट की है, इसको सिग्नेचर बोलते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में तो मुझे भी नहीं पता था सिग्नेचर क्या होता है, ठीक है। इससे ना देखिए थोड़ी सी अट्रैक्टिव लुक बन रही है, मीन के जो एडमिन है, अगर हमारा क्लाइंट है उसके पास ये जाएगा ना मेल, तो उसको पता चलेगा कि सच में इसके पीछे कोई अच्छा बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, या अच्छी बंदी बैठी हुई, कि जो ये सर्विस दे रहे हैं, मीन के उसको पता होगा कि इसको ना हर चीज की हावना हुआ है, इसने एक अच्छा सिग्नेचर बनाया, उसने इसने अपना नंबर भी दिया हुआ है, अपना ईमेल एड्रेस भी, और अपनी लोकेशन भी, एंड एवरीथिंग अपने बारे में भी बताया हुआ है, ठीक है। तो ये बनाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन स्टार्टिंग के लिए तो मैं आपको नहीं ये अभी रिकमेंड करूंगा, तो जब तक इंशाल्लाह हम चले जाएंगे क्लाइंट्स की तरफ जब जाएंगे ना, तब ज्यादा अट्रैक्टिव चीज लुक पड़ती है। अभी तो एडमिन को करना है, नॉर्मल से हमने मेल ही करना है, ठीक है, तो जब हमने क्लाइंट्स को करना है, तब मैं आपको ये बनाना, एक अच्छा सा बनाना सिखा दूंगा, और हम सबका बनाएंगे इंशाल्लाह लाजमी, ठीक है, फिर ही हम चलेंगे। अब नेक्स्ट क्या काम होगा, अब हमारे ये काम है, ये जो ब्रैकेट है इसमें हमने इसी वेबसाइट का लिंक पुट करना है, हम किसको मेल कर रहे हैं, एडमिन एट tentoret.com को, ठीक है। तो इसकी जो वेबसाइट है वो सिंपली हम कह लेते हैं कि ये वाली वेबसाइट है, ठीक है, हमने इसका लिंक इधर गए, इसके लिंक को हमने किया कॉपी, ठीक है, और दोबारा इस मेल पे आए और यहाँ पे आके कर दिया इसको पेस्ट, ठीक है, ये देखें ऐसे पेस्ट हो गया। अब उसको पता चल जाएगा ये इस वेबसाइट के लिए मुझे, मेरे से गेस्ट पोस्टिंग मांग रहा है या मेरे से बात कर रहा है इस गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट के लिए, ठीक है। तो ऐसे हमने करना है, ठीक है, ब्रैकेट में उसका वो आ गया, ठीक है। और इसमें अगर आपने कोई चेंजिंग वगैरह अपने हिसाब से करनी हो तो कर देना, मैंने तो सिर्फ ये हाईलाइट, हेलो डियर को हाईलाइट किया और गेस्ट पोस्टिंग को, ताकि उसको पता चल जाए, ठीक है। और बाकी फिर हमने इसमें, और हमारा इसमें कोई काम भी नहीं होगा, ठीक है, और हमने सिंपली इसको कर देना है सेंड, ये होगी सेंड हमारी एक मेल, ठीक है। इसी तरह हमने नेक्स्ट करते जाने करते, अब इस पे आ जाएंगे, इस पे मेल सेंड करेंगे, ठीक है, फिर इस पे आएंगे, इस पे मेल ऐसे जाएंगे और ऐसे जाके मेल सेंड करेंगे, इस तरह हमने सबको मेल सेंड करते जाना है, ठीक है। अब जब हमने मेल सेंड कर ली, इसमें ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए, हमारे हमें क्या वो हमें मेल, मतलब वो जब होता है ना सबका स्टार्टिंग में, कि हमें जब वो बैक मेल करेंगे तो उसमें क्या लिखा होगा, हमने कौन कौन सी चीजें उसमें रीड करनी है, या उसको क्या बाद में रिप्लाई करना है, ये मेन प्रॉब्लम ये होती है मेल के अंदर, ठीक है। तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, क्योंकि अब हम इधर आए तो हैं, तो हम हर चीज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैं इधर ना कुछ ऐसी मेल्स, मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ, कि जो मैंने, जो मुझे आई हो,
तो मैंने उनसे बात की, ये तो इनबॉक्स में जा के देखते हैं, ठीक है, शायद मिल जाए। तो वैसे तो मेरे दूसरे मेल होते हैं, इधर है, ठीक है। तो एक तो इसको हम कर लेते हैं ओपन, इस वाले को, ठीक है। ये देखिए, इसको मैंने यही वाले पहले ईमेल सेंड किया, ये इसकी वेबसाइट का नेम पुट कर दिया, ठीक है। और मैंने यही वाला मेल सेंड किया, आई होप यू आर फाइन टुडे, विजिट द वॉल ऑफ योर ब्लॉग, ठीक है। और इसको मैंने 27 सितंबर को सेंड किया था, दोपहर के टाइम, कुछ राउंड अराउंड 4 बजे के टाइम। और उसी दिन ही मुझे 4:30-5 के करीब मैसेज आ गया था, मतलब कि 1.5 घंटे बाद, ठीक है। और उन्होंने मुझे क्या बोला, अब इनकी मेल का जो रिप्लाई आता है वो कैसा होता है, मतलब ज्यादातर लोग दिखाते तो नहीं, इतना डीपली कोई समझाते नहीं, मैं इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को हर चीज की क्लैरिटी की समझ आ जाए। वैसे जो दूसरे मैंने देखा बहुत सारे कोर्सेज में, वो बोला क्या करते हैं, वो जिस दिन आपको गैस पोस्टिंग साइट्स का बोलते हैं ना, उसी दिन मेल करना सिखा देते हैं बच्चे को। जब बच्चा आता है ना, तो उसको अंदर फिर पता नहीं होता सर मेल में क्या लिखा हुआ है। तो मेरे ख्याल से अब हमने हर चीज कवर की हुई है ना, तो हमें इस मेल की ज्यादा समझ आएगी, ठीक है। वो कैसे, मैं बताता हूँ। उसने क्या लिखा, वी हैव स्पॉन्सर्ड प्रेस रिलीज, ये भी है, गैस पोस्टिंग अपॉर्चुनिटीज ऑन आवर एडिटोरियल और नॉन एडिटोरियल वेबसाइट, एंड एमिको होप्स इज वन ऑफ देम, मतलब एमिको होप्स उनमें से एक है। ये देखो मैंने इसमें किया था ना, इसकी वेबसाइट का नेम एमिको होप्स, ये इसमें लगाया, मेन के उसकी और भी वेबसाइट्स हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने, हम इनका इस चीज की तो आपको समझ आ गई होगी कि हमने लिंक क्यों पेस्ट करना होता है। अब उसने क्या लिखा, वी चार्ज $150 पर स्पॉन्सर्ड गैस पोस्ट, हम एक गैस पोस्ट के $150 चार्ज करते हैं, उसने ये बोला, ठीक है। इस चीज की तो आपको समझ लगी होगी कि गैस पोस्ट मैंने आपको बताया था, वो अपना रेट बताएंगे। सेकेंड क्या है, ऑन आवर वेबसाइट विद 3 डू फॉलो लिंक्स, तो मैंने आपको डू फॉलो का भी बताया, हमने हमेशा डू फॉलो लिंक वाली वेबसाइट के साथ काम करना है। इसलिए मैं आपको मेल करना पहले नहीं सिखा, मैंने सिखाया था, क्यों, क्योंकि आपको जब डू फॉलो का, लिंक इंजर्शन का, गूगल इंडेक्स का, इन चीजों का पता ही नहीं होगा, तो जाहिर सी बात मैं पहले दिन मेल करना तो सिखा दूं, तो आप फिर मुझे बार बार मैसेज करके पूछेंगे सर मेल में ये भी लिखा था, ये भी लिखा था। उससे अच्छा कि हर चीज अब आपकी क्लियर है, तो अब मेल करेंगे तो अब आपको ज्यादा समझ लगेगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट रीड करते हैं। इट विल बी पोस्टेड एज नॉर्मल लाइक अदर पोस्ट विदाउट एनी टैक्स ओवर इट एंड विजिबल इन होम पेज, ठीक है। फॉर आई गेमिंग, कैसीनो, बैटिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग, फॉरेक्स रिलेटेड आर्टिकल्स वी चार्ज, मैंने बोला था इनके साथ हमने काम बिल्कुल भी नहीं करना, क्रिप्टो ट्रेडिंग, फॉरेक्स, कैसीनो, बैटिंग, इनके साथ हमने काम नहीं, इनकी ये देखो मैंने क्या बोला था, महंगी होती है इनकी, $300 की पर पोस्ट है, वो हमें 150 की दे रहा गैस पोस्ट, इनकी गैस पोस्ट $300 महंगी है पर पोस्ट। आर्टिकल शुड बी जर्नल एंड गेटिंग लिंक्स, ठीक है, आर्टिकल इनका भी जर्नल होना चाहिए, ठीक। आर्टिकल शुड बी यूनिक, अब ये हमारे वाली पे आ गया है, जो हमने 150 इसने बोला ना, वो ये उसकी बात कर रहा है। आर्टिकल शुड बी यूनिक, आर्टिकल यूनिक होना चाहिए, गुड क्वालिटी होनी चाहिए, एंड एडिंग वैल्यू टू द रीडर्स, और रीडर को, जो हमारा रीडर होता है उसके लिए वैल्यू, उसमें कोई अच्छी चीजें लिखी होनी चाहिए, ठीक है। आवर निंजा कंटेंट टीम कैन राइट आर्टिकल एट $50 ईच ऑन नेटिव लैंग्वेजेस, मीन के अगर हमारा क्लाइंट हमें कह देता है कि यार आर्टिकल भी आप लिखो, मतलब मेरे पास आर्टिकल लिखने का भी टाइम नहीं है, ठीक है, वो कहता है अगर आर्टिकल भी आप लिखो, ठीक है, तो यहाँ पे वो अपना रेट बता रहा है। अब उन्होंने कहा कि अगर आपके पास आर्टिकल, अगर आपने हमसे लिखवाना है, तो वो $50 में आर्टिकल भी लिखेंगे, ठीक है। अब इनमें हमें क्या पता चल गया, हमें ये भी पता चल गया कि उसने अपना गैस पोस्टिंग का रेट भी बता दिया है, डू फॉलो का भी बता दिया है, ठीक है, और अगर वो आर्टिकल लिखेंगे तो वो भी बता दिया है। अब आगे क्या है, वी डोंट एक्सेप्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स, डेटिंग एंड अडल्ट निशेज, इनके ऊपर तो वैसे ही काम नहीं करना। हेल्थ मीन के ये वेबसाइट किसी और के रिलेटेड है, ये वेबसाइट हेल्थ की जो प्रोडक्ट होती है उसके आर्टिकल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो कुछ ऐसी साइट्स होती है जो नहीं करती, जैसे कि अगर कोई हेल्थ की जरूरत, तो वहां पे लिखा होगा कि वी ओनली एक्सेप्ट हेल्थ आर्टिकल्स, ठीक है, वो सिर्फ हेल्थ के आर्टिकल एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, वो प्योर साइट्स होती हैं। अब मैंने एक चीज आपको पढ़ाई थी टैट, मैंने क्या क्या कहा था, एडमिन हमें टैट भी बताएगा। ये देखिए उसने क्या लिखा हुआ है, टास्क विल बी कंप्लीटेड इन मैक्सिमम ऑफ 72 आवर्स और लेस, कि वो 72 आवर्स में आपका जो टास्क है, जो आपका आर्टिकल है, वो पोस्ट कर देगा। यही आपने इधर से उठा के क्लाइंट को बता देना कि हम इस वेबसाइट पे इतने आवर्स में या इतने दिनों में आपका आर्टिकल पोस्ट करवा देंगे, इसको टैट बोलते हैं। उसने टैट का भी बता दिया, ठीक है, ये भी आपको समय लग गई, ठीक है।
अब क्या, वी आल्सो हैव स्पॉन्सर्ड लिंक इंजर्शन भी इनके, मैंने लिंक इंजर्शन का भी बता दिया था आपको कि लिंक इंजर्शन भी होती है। अब मैंने कहा था उसका रेट कम होगा, तो यहाँ पे उसका रेट क्या है, $100। अगर आप लिंक इंजर्शन करवाते हो तो 100, अगर आप आर्टिकल पोस्ट करवाते हो तो $150। और यहाँ पे उसने क्या बोला, $100 फॉर नॉर्मल लिंक्स, और उसने आगे क्या बोला, $200 फॉर स्पेशल लिंक्स। और इसमें एक ये उसने बताया, प्लीज चूज द आर्टिकल लिंक एंड एंकर टू इंसर्ट इन। एंकर टेक्स्ट मैंने बोला था ना, एंकर उसने वही बोला कि एंकर टेक्स्ट अपना खुद चूज कर लेना, ठीक है, जिसमें टू इंसर्ट इन, जिसमें लिंक लगवाना है, ठीक है। ये उसने एंकर टेक्स्ट वो भी मैंने आपको समझा दिया एंकर टेक्स्ट क्या होता है, ठीक है। अब क्या आ गया, अब आ गया पेमेंट, एंड रिगार्डिंग पेमेंट मेथड, पेमेंट मेथड कौन से एक्सेप्ट करते हैं, वी एक्सेप्ट पेपाल, पायोनियर एंड बैंक ट्रांसफर्स। पेपाल की सर्विस हम आपको दे देंगे, ठीक है, और पायोनियर का अकाउंट हम आपका बनवा देंगे, वो सबका बन जाएगा, ठीक है। अब इनकी बार्गेनिंग के बाद मीन के जब हमारी शीट तैयार हो जाएगी, उसके बाद हमने पेमेंट की तरफ ही जाना, उसके बाद फिर हम क्लाइंट्स की तरफ जाएंगे, ठीक है। इधर तक मेरे ख्याल से आपको हर चीज समझ आ जाएगी, मैंने बड़ी क्लैरिटी से समझाया आप सबको, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, मोस्ट ऑफ आवर वेबसाइट आर गूगल न्यूज अप्रूव्ड, ठीक है, इसकी भी आपको अच्छे से समझ लगी होगी इसने क्या बोला है, कि मेरी हमारी बहुत सारी वेबसाइट गूगल न्यूज अप्रूव्ड है, ठीक है। अब और अच्छे तरीके से समझ लग जाएगी वो कैसे, विद डैट सेड यू विल गेट इंस्टेंट इंडेक्सिंग ऑफ द आर्टिकल। इसके भी मुझे उम्मीद है कि आपको समझ लगी होगी, यू विल गेट इंस्टेंट इंडेक्सिंग ऑफ द आर्टिकल, कि आपका जब आप आर्टिकल पोस्ट करवाओगे तो वो फौरन ही इंडेक्स हो जाएगा, कहाँ इंडेक्स हो जाएगा, गूगल के ऊपर, ठीक है। तो ये तो फिर बहुत अच्छी बात हुई हमारे लिए कि हमारा आर्टिकल बड़ा अच्छा पोस्ट हो जाएगा। यहाँ तक मेरे ख्याल से हमारे काम की बात है, इसके नीचे तो हमारे इंस्टेंटली हेल्प यू इन पिकअप रैंकिंग पेशेंस, इसने अब बाकी अपना ही आगे तारुफ करवाया। अब होता क्या है, मैंने आपको बोला था ना कि वो खुद भी आपको शीट सेंड करेंगे, ये उसने मुझे साथ एक अपनी शीट भी अटैच कर दी है, ठीक है, कि ये मेरी लिस्ट की शीट है, चलो हम इसको ओपन कर लेते हैं, इसमें क्या है, ठीक है। उसने लिंक सेंड किया, अब ये इसकी और वेबसाइट्स हैं, इसमें DAB है, इसमें PAM, मतलब कि मुझे फ्री में इतनी वेबसाइट मिलगी और ज्यादा, ठीक है, ये कितनी चेक कर लेते हैं, ये राउंड बाउंड काफी है। ये इसने मुझे 600 वेबसाइट की अपनी लिस्ट दे दी, जिसमें जर्मन भी है, पोलिश भी है, इटली भी है, तुर्किश भी है, चाइनीज भी है, फ्रेंच भी है, ठीक है, स्वीडिश, हिंदी, ये सारी वेबसाइट्स भी हैं, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है। तो इन शीट के, अभी आपने इन शीट की तरफ ध्यान नहीं देना, इसकी बात भी हम करेंगे, लेकिन मेल के बाद करेंगे, जब मेल वगैरह हमारी लिस्ट तैयार हो जाएगी ना, फिर इनके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। अगर कोई आपको लिस्ट सेंड, आपको बहुत सारे लोग ऐसी लिस्टें सेंड करेंगे, अभी आपने उनकी तरफ नहीं जाना, अभी आपने सिर्फ अपनी ही लिस्ट तैयार करनी है, ठीक है। इसके बेनिफिट्स और जो फायदे और नुकसान मैं आपको दोनों बताऊंगा बाद में, ठीक है, एक बार पहले हम अपनी शीट रेडी करनी है, ठीक है। ये नहीं देखना कि उधर 600 की मुझे बनी बनाई मिल गई है, वो चीज़ नहीं देखनी, ठीक है आप लोगों ने। अब नेक्स्ट क्या, मैंने इसको नेक्स्ट मेल क्या किया, मैंने कहा थैंक्स फॉर योर रिस्पॉन्स, लेट मी नो डैट व्हाट्स द प्राइस ऑफ ऑल वेबसाइट मेंशन इन द लिस्ट यू हैव सेंड। जो इसने लिस्ट सेंड की उसमें प्राइस मेंशन नहीं थी, ठीक है। तो मैंने उससे पूछा उसकी प्राइस क्या है, उसने बोला द प्राइजेज आर मेंशनड अबव मोहम्मद। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसने मुझे ये प्राइस बता दी ना कि $150, सब वेबसाइट पे इसकी $150 में ही होगी आई सपोज, ठीक है। तो मुझे फिर समझ आ गई थी, फिर मैंने इसको बोला थैंक्स फॉर योर रिस्पॉन्स, आई हैव मैनी ऑर्डर्स बट योर प्राइस इज टू हाई, प्लीज गिव मी अ रिसेलर प्राइस, आई होप इफ यू गिव मी अ डिस्काउंट वी विल रन फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये मैंने एक लाइन लिखी, ठीक है, और इसके बाद इसका मुझे रिप्लाई नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि इसने अपना रेट कम नहीं करना था। उसके बाद ये मेरी 29 सितंबर तक इससे बात हुई थी, उसके बाद आ गया 19 दिसंबर, मीन के मैंने इसके कोई 1-2 महीने के बाद इसको मैंने टच किया। क्या मैंने इसको टच किया, हेलो सर, हाउ आर यू, आप कैसे, कैन यू राइट तुर्किश आर्टिकल, मुझे एक तुर्किश आर्टिकल की जरूरत थी, मेरा क्लाइंट्स था, तो मैंने इससे पूछा। उसने क्या बोला, वी विल राइट एंड ट्रांसलेट मोहम्मद, ठीक है। उसने कहा हम लिखेंगे और उसको ट्रांसलेट कर देंगे तुर्किश में, ठीक है। तो मेरा इधर इनके साथ डील डन हो गई थी, मैंने इनसे आर्टिकल लिखवा लिया था, ठीक है। और क्यों, क्योंकि इसने मुझे इधर पहले ऑफर की हुई थी कि आवर निंजा टीम कंटेंट टीम कैन राइट आर्टिकल्स एट $50, ठीक
ठीक है, ऑन नेटिव लैंग्वेजेस। जब इसने ये बात की थी तब, अगर आपने नॉर्मल क्लाइंट आपको बोल देता आर्टिकल का आपने फेसबुक पे जाना है, नहीं तो आपने मुझे बता देना फौरन, मैं आपको आर्टिकल लिखवा दूंगा कितने में, 1,000 रुपये में, मीन के आप लगा लो $5 में। इधर $50 खर्च करने की बजाय क्लाइंट से आप 30, आप इजीली क्लाइंट से जो हम आर्टिकल लिख के देंगे ना मार्केट में, उसकी वर्थ है $30 से $40। आप उससे $30 भी ले लोगे ना, तो हम आपको $5 में, पाकिस्तानी 1,000 रुपये में आपको आर्टिकल लिख देंगे, अच्छा सा 800 वर्ड्स का, ठीक है। तो बाकी के जो $20 होंगे वो आपके, $25 होंगे तो वो आपके ही होंगे, उस वो भी हमने आपको इतना भी डिस्काउंट कर दिया, ठीक है। हमें क्या, हमने तो आर्टिकल, अब नेक्स्ट चलते हैं, कोई और भी ओपन कर लेते हैं, ठीक है। एक ये ओपन कर लेते हैं, ठीक है। इसमें भी इसने मुझे बताया, अब इस हर एक का नया नया अपना अपना अंदाज होगा सेंड करने का, ठीक है। आपने उनमें से ना मेन मेन चीजें पिक कर लेनी है। अब इसने भी पहले इधर अपना हाउ नाउ इतना दे दिया, इसको छोड़ो। फॉलोइंग आर द प्राइस डिटेल, सबसे पहले इसने क्या किया, नॉर्मल पोस्ट। नॉर्मल पोस्ट का मतलब जो नॉर्मल गैस पोस्ट है वो कितने डॉलर में दे रहा है, ये $150 में दे रहा है। लिंक इंजर्शन कितने में दे रहा है, $120 में। सीवीडी कैसीनो $280। मैंने कहा इनका रेट ज्यादा होगा, लेकिन हमने इन पे काम नहीं करना, जाहिर बात इनका मार्जिन भी ज्यादा होता है, ठीक है। अब उसने क्या बोला, वी विल नेगोशिएट द प्राइस ऑन बल्क ऑर्डर। अगर आपके पास बल्क ऑर्डर है तो कहते फिर ही हम प्राइस की बार्गेनिंग करेंगे, उसको निगोशिएट करेंगे, कम करेंगे। अब उसने क्या बोला, आपको क्या मिलेगा, इंस्टेंट पोस्ट। मेरे ख्याल से इसकी आपको समझ आ गई होगी, इंस्टेंट पोस्ट क्या होता है, कि आपकी जो पोस्ट है फौरन लग जाएगी, ठीक है। परमानेंट पोस्ट, मैंने आपको बोला था आर्टिकल एक बार ही लगाना उस वेबसाइट में, वो परमानेंट ही रहेगा, ठीक है। डू फॉलो बैक लिंक्स, इसका भी आपको पता है 100%। गूगल इंडेक्स, इसका भी मेरे ख्याल से आपको पता होना चाहिए, हर चीज क्लियर आप लोग। ऑल निशेज अवेलेबल, उसके पास हर कैटेगरीज है, लेकिन उसने एक देर एक और चीज लिखी है, प्राइस इज डिफरेंट ऑन ईच कैटेगरी, ठीक है। फिर उसने लिखा पेमेंट कौन सी, पेपाल, पायोनियर, गूगल पे, ठीक है ये। और इसके बाद मैंने उसको क्या बोला है, आइए इधर मैंने ये वाली लाइन आपने कॉपी चिपका देनी है सबको, आई एम ए रीसेलर, आई हैव कंप्लीटेड मैनी ऑर्डर्स एंड आउटरीच टू अ लार्ज कम्युनिटी ऑफ क्लाइंट्स फॉर गैस पोस्टिंग, काइंडली गिव मी कंसेशन एज अ रीसेलर बिकॉज आई वॉन्ट टू वर्क विद यू फॉर अ लॉन्ग टर्म, ठीक है। उसने कहा व्हाट्स योर ऑफर, उसने मेरी ऑफर पूछ ली। अब ऑफर पे मैं उसको पहले बोलूंगा आप $50, 150 बोला ना, मैं बोलूंगा 50 ले लो, जब मैं 50 बोलूंगा तो फिर वो अपना रेट बताएंगे, इस तरह बार्गेनिंग होती है, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी कि हमने कैसे इनमें से चीजें पिक करनी है, कैसे बार्गेनिंग कर, जब बार्गेनिंग कर लिएंगे ना, जिस जैसे कि ये फन 50 है, एक और मैं दिखा देता हूँ शायद जिसके साथ मेरी बार्गेनिंग हुई हो, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, कोई मिल जाए शायद, ये इस पे कर देते, ठीक है। अब इसने मुझे सेंड किया कि गैस पोस्ट या ब्रांडेड कंटेंट कितने में, $50 में ये गैस पोस्ट करवाएगा, आर्टिकल कितने वर्ड का होना चाहिए, 800+, ठीक है। लिंक इंजर्शन, लिंक टू एग्जिस्टिंग कंटेंट, एग्जिस्टिंग कंटेंट वो होता है जो ऑलरेडी आर्टिकल लगा हो उसमें जो लिंक, लिंक इंजर्शन ही इसको बोलते हैं। उसकी प्राइस क्या बोली है, $45 से लेके $100 तक। इसमें क्या है, एग्जैक्ट प्राइस डिपेंड ऑन द पोस्ट, पोस्ट के ऊपर मतलब वो देखेंगे, अगर तो आर्टिकल के ऊपर ट्रैफिक ज्यादा आ रही है तो फिर वो अपना रेट भी 900 तक बोले ना, वो 90 भी बता सकते हैं, 95 भी। अगर किसी में कम आ रही है ट्रैफिक तो वो 45 में भी दे देंगे, मीन के 45 से $100 तक आपको आर्टिकल वो लिंक इंजर्शन कर देंगे, ठीक है। अब उसने क्या बोला, सेंड मी द एग्जिस्टिंग आर्टिकल लिंक बिफोर प्लेस द ऑर्डर, कि आप मुझे उस आर्टिकल का लिंक सेंड कर दे जिसमें आपने लगाना है। वो लिंक कौन सा होगा, लाइव लिंक जिसको मैंने बोला था, आपने वो वेबसाइट ओपन करनी है, ओपन करके जिसमें क्लाइंट ने लगाना होगा ना लिंक, वो हमें खुद ब खुद सेंड कर देगा, हमने वैसे ही क्लाइंट को फॉरवर्ड कर देना कि इस आर्टिकल में हमारा लिंक लगा दो, खुद लगाना, खुद लगा के उसको सेंड कर दो, वो मैंने आपको हर चीज़ बता दी हुई है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो पेमेंट मेथड है वो पायोनियर और पेपाल है, ये लिखा हुआ है पेमेंट में पायोनियर और पेपाल, ठीक है। और इसके बाद उसने मुझे रेट क्या बताया था अपना गैस पोस्टिंग का, $50, ठीक है। अब मैंने इसको क्या लाइन चिपकाई, मैंने इसको बोला कि आई एम ए रीसेलर, इसको आई हैव कंप्लीटेड मैनी ऑर्डर्स, वही लाइन मैंने इधर लिखी। और उसने मुझे क्या बोला आगे से, उसने मुझे बोला ये देखो, उसने ये मुझे बोला $35 इज द बेस्ट प्राइस फॉर यू थैंक्स, मीन कि उसने $15 कम कर दिया, 50 में से 35। अगर मैं इसके साथ और बार्गेनिंग करूं तो ये मेरे ख्याल से 30 पे भी आ सकता है, 25 पे भी आ सकता है। अगर ये मेरे पास 25 पे मान मान जाता है, ठीक है,
तो मैं अगर इसको अपने $15 रख के 40 में भी सेल करूँ, तो जो नया बंदा इसके पास जाएगा, जाहिर सी बात है उसको भी ये $50 बताएगा, ठीक है, क्योंकि इन्होंने यही मेल फॉरवर्ड करना होता है सबको। तो अगर हम उसी बंदे को $40 में उसको हमसे मिल जाए, तो इससे ज्यादा और कौन सी बात है, $15 हमारा भी बजट निकल आएगा, क्योंकि हमने तो बार्गिंग करके इस तरह बार्गिंग करनी है, ठीक है। ये हमारा आज का था मेल का, मैंने आपको मेल करना भी बता दिया। इधर एक फोल्डर बनाना है प्राइस के नाम से, जिस प्राइस में आपकी डील डन हुई हुई होगी, आपने प्राइस कैसे बना के, ठीक है, तो आपने ऐसे प्राइस बना के उसके सामने जो बार्गिंग की हुई प्राइस है, जैसे कि मेरी $50 उसने बताया था, तो मेरी 35 में डील डन हुई, तो इधर $35 लिख देंगे, ठीक है, 35, ठीक है, ये लिख देंगे। तो इसके बाद क्या करना है मैं बाद बताऊंगा, फिलहाल आपके लिए इतना। अच्छा, इसमें एक चीज और भी है कि बार बार हमने एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में जाने के लिए आपको जैसे लगेगा सर बड़ा टाइम वेस्ट हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है, तो इसमें मैं एक चीज कर देता हूँ आपको, कि आपने क्या करना है, आपने के ऐसे ना सिंपली पहले इसको कट ऑफ करके, एक मिनट सॉरी, इसको कट ऑफ करके आपने क्या करना है, ये एक सिंपली हमने एक मेल लिखा हुआ है, ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इस मेल को ऐसे लिखे रहने देना है, ठीक है। अब आप लोगों ने इसको करना क्या है, आप लोगों ने इस, ये जो मेल है ना, इसको आपने इसकी टेम्पलेट जो सेव कर लेनी है, ठीक है। अब उसको सेव कैसे करना है, ये देखिए सबसे नीचे ना दरमियान में इधर 3 डॉट्स है, और वहां पे लिखा हुआ है मोर ऑप्शन, ठीक है, ये इधर सबसे नीचे है ना, ये नीचे आ जाए ना, जहाँ पे ये सिग्नेचर मेरे बने हुए, उसके नीचे जहाँ पे सेंड का बटन है उसके साथ बिल्कुल देखे, पहले ए लिखा हुआ मीन के फॉर्मेटिंग ऑप्शन है, फिर उसके बाद अटैच फाइल वाला, इधर एंड पे आएंगे तो 3 डॉट्स लिखे होंगे मोर ऑप्शन, उस पर जाना है, और उस पर जाके ना टेम्पलेट्स, अगर तो आपकी टेम्पलेट्स इधर से मीन के मैंने इधर टेम्पलेट सेव की हुई है, ठीक है, तो इधर आपने आके टेम्पलेट सेव कर लेनी है इसको, ठीक है। ऐसे टेम्पलेट अगर आपकी, ये पहली बात तो अगर ऑन नहीं है, आपने क्या करना है, आपने सिंपली न्यू पेज पे जाना है, ठीक है, न्यू पेज पे जाके आपने क्या करना है, जीमेल के ऊपर जाना है, सिंपली जीमेल के ऊपर जाके, और आपने जाना है सेटिंग के ऊपर, सेटिंग के ऊपर जाना है, सी ऑल सेटिंग पे जाना है, ठीक है, सी आर सेटिंग पे जाके आप लोगों ने जाना है एडवांस के, ये देखे ना ऊपर ये जर्नल लेबल इनबॉक्स, ये चीजें आपने चले जाना है एडवांस के ऊपर। एडवांस के ऊपर जाएंगे ना, तो ये यहाँ पे देखिए ये टेम्पलेट ये लिखा हुआ है, इसको डिसेबल किया होगा आपने पहले, इसको करना है एनेबल, एनेबल कर लिया, फिर इसको करेंगे क्रॉस, ठीक है। अब दोबारा आएंगे इसके ऊपर, जैसे कि हम इसको मेल करने जा रहे थे, ठीक है, तो ऐसे मेल करने जाएंगे, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार वो उधर से कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे, यहाँ पे आए, ठीक है, और यहाँ पे हम जाएंगे इसके ऊपर, ये जो मैं आपको सेंड करूँगा इसको आप कॉपी करोगे और वापस जाओगे मेल के ऊपर, यहाँ पे जा कर दोगे पेस्ट, और ये जो सब्जेक्ट लाइन है इसको इधर से कट ऑफ करके ऊपर जा कर दोगे पेस्ट, ठीक है, और ये आपका बन गया, ठीक है। अब आपने करना क्या है, अभी ये देखे ना यहाँ पे मैंने ये खाली जगह छोड़ी हुई है, इसमें अभी कोई लिंक मैंने पेस्ट नहीं किया, क्यों, क्योंकि अभी इसको हम सेव करने जा रहे हैं, कि बार बार आप पेज इधर उधर से ना मीन के बार बार स्क्रीन ऑफ करोगे, दूसरी स्क्रीन पे जाओगे कॉपी करोगे इधर लाके पेस्ट करोगे, तो सबसे इजी वे बताता हूँ। इजी वे क्या है, आपने क्या करना है, ये इस ऐसे लिख के ना ये 3 डॉट के ऊपर जाना है, आपने 3 डॉट के ऊपर जाके तो आपने क्या करना है, इसको मैं बताता हूँ, आपने ये जो टेम्पलेट है ना टेम्पलेट पे चले जाना है, और जाके सेव एज, इधर न्यू टेम्पलेट का ऑप्शन आएगा, तो सेव डिफॉल्ट एज टेम्पलेट, सेव ड्राफ्ट एज टेम्पलेट, इसके ऊपर जाना, और ये इधर लिखा हुआ है सेव एज अ न्यू टेम्पलेट, इसके ऊपर आपने कर देना है क्लिक, और ये फिर ये हो जाएगी आपकी सेव। अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट टाइम जैसे कि मिसाल है, इसको मैं क्रॉस करता हूँ, नेक्स्ट टाइम आप एक मेल की तरफ आते हो, जैसे कि इसको हम मेल करेंगे, आप मेल की तरफ आ गए, ठीक है, सिंपली आप अब बजाय के इस दूसरी इधर जाके, बजाय के इधर जाके इसको कॉपी करके वापस आके पेस्ट करने के, आपकी टेम्पलेट हो चुकी है सेव। अब आपने क्या करना है, आपने सिंपली 3 डॉट्स के ऊपर जाना है, टेम्पलेट्स के ऊपर जाना है, टेम्पलेट का हमने क्या नाम रखा हुआ था, पेड गेस्ट पोस्ट प्रपोजल, इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपके पास वो इंटरफेस आ जाएगा जो कि आपने सेव किया होगा। वो कैसे होगा मैं दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने इंटरफेस अगर ये वाला सेव किया, तो ऐसे आपके पास
वो जो आपने सेव की होगी ना टेम्पलेट, वो ऐसी आ जाएगी। फिर आपने क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि वापसी शीट पे जाना है, ठीक है। शीट पे जाके जो जिसको आप सेंड कर रहे हो ना, जिसको सेंड कर रहे हो उसका जो लिंक है वो कॉपी करना है, और इधर लाके वो जो मैंने बॉक्स बनाया था उसमें जाके आपने कर देना है पेस्ट और ईमेल सेंड कर देना है, ठीक है। इससे जो आपका काम है वो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपकी टेम्पलेट इधर ही सेव करवा दी हुई है, ठीक है। आपके ईमेल के अंदर ही वो टेम्पलेट मैंने सेव करवा दी है। इस वीडियो को बार बार देखिएगा, लाजमी देखिएगा, फिर ही तब भी आपको जाकर समझ आएगी। इसकी चीजें निकाल के रखी हुई हैं कि मेल्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको आ सकते हैं, ठीक है। और सिंपली इसमें अगर देखा जाए तो जैसे कि ये एक मेल है, हम इस तरह सिंपली इस पे एरो लेके आते हैं तो आगे मेल का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। फर्स्ट तो ये होगी, ये तो नॉर्मल थी, ठीक है। अब ये देखिए ना, मैं इसके ऊपर एरो लेके आ रहा हूँ, इसके ऊपर भी आ रहा है, इसके ऊपर लेके आ रहा हूँ, इसके ऊपर भी, ये अब मैं इसके ऊपर लेके आ रहा हूँ तो ये नहीं आ रही, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर लेके आ रहा हूँ मोबाइल मॉल पाकिस्तान @gmail.com। अब इसमें क्या वजूहत हो सकती है? पहली वजह यह है कि ये जो एट लिखा हुआ है ना, ये @rate नहीं लिखा हुआ, ये सिंपली एट। आपको बहुत सारी जगह पे ऐसे एट लिखा आएगा, इस ब्रैकेट की और ब्रैकेट में लिखा आएगा, कुछ के सिंपल भी आ जाएगा। तो आपने इसको क्या करना है, आपने सिंपली इसको इधर से इसकी ब्रैकेट भी रिमूव करनी है, ठीक है, और एट भी रिमूव करना है, और शिफ्ट प्रेस करके टू टू प्रेस करेंगे तो @rate लग जाएगा। तो फर्स्ट तो ये होगा। अब देखिए मैं इसके ऊपर एरो लेके जाऊंगा तो ये आ गया, ठीक है। सिंपली मोबाइल मॉल .tk जो भी इसका नेम है, तो ये हमारा सिंपली, एक तो मैंने ये हल कर दिया कि आपको ना ब्रैकेट के अंदर एट लिखा होगा, ये सिंपली @ लिखा होगा, @rate इंटर नहीं किया होगा, तो आपने उसको कर देना, तो सिंपली एक तो ये प्रॉब्लम आपकी सोल्यूशन हल हो गया। एक ये आएगा कि ब्रैकेट के अंदर एट तो लगा होगा @rate, लेकिन उसमें ब्रैकेट लगी होगी, तो ये देखिए इस पे भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये तो ओपन होगी वेबसाइट को, तो इसकी आपने सिंपली जो ब्रैकेट है ना वो रिमूव कर देनी, ठीक है। आपने इसकी जो ब्रैकेट है उसको रिमूव कर देना, ठीक है, और बाकी वैसे का वैसे एंटर कर दो तो ये आपका भी ईमेल। अब इसमें ना ये लिंक पेस्ट हो गया। अब इसमें और चीजें भी, जैसे कि ये लिंक है ना, आपको ऑप्शन आ रहा था कि ये नीचे ना, ये तो वेबसाइट का लिंक आ जाता है, तो इसका क्या हल होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि लिंक तो हमें चाहिए। अच्छा, एक कंडीशन ये भी हो सकती है, ये इन्फो लिखा ना, ये ईमेल एड्रेस तो ठीक लिखा हुआ है info@linkio.com, ठीक है, लेकिन फिर भी वो नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि इसके अंदर स्पेसेस आ गई है। ये देखिए, जैसे हम @rate के पीछे से भी स्पेस रिमूव कर रहे हैं और आगे से भी स्पेस रिमूव करके एंटर करेंगे तो ये एक प्रॉपर ईमेल एड्रेस बन जाएगा, ठीक है। तो ये तीन चार वजूहत थी, एक ये आ जाती है एंड लास्ट वाली कि सर हम इस तरह करते हैं, इसके ऊपर एरो लेके आते हैं और ये आगे आ जाते हैं वेबसाइट का जो भी URL है या लिंक वगैरह आ जाता है तो ईमेल नहीं होती। उसका सिंपली बेस्ट सोल्यूशन ये होता है कि आपने इधर साइड पे वही, क्योंकि उसके अंदर लिंक ऑलरेडी पेस्ट हुआ हो सकता है, ठीक है। तो हमने क्या करना होता है, हमने इसको इधर हम सिंपली लिख देंगे, सही है, और शिफ्ट और ये करके ये लगा दिया आगे my@rate शिफ्ट टू और hotmail.com ये कर दिया, ठीक है, और इंटर कर दिया। अब देखिए इसके ऊपर लेके आ रहे हैं वही वर्डिंग है तो ये लिंक आ रहा है, और अगर हम जो अब लिखा है इसको लेके आ रहे हैं तो वो उसका मेल आ गया, ठीक है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसको इधर से करेंगे कट, ठीक है, और इसको हम इधर से कॉपी या कट करके इधर जाकर कर देंगे पेस्ट, ठीक है। तो सिंपली ये हमारा ईमेल वैलिड हो गया।